वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड लर्न। जैसे आपने मेरी वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा कि पाइथन में हम आज पैटर्न्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे और वहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे, राइट। आज हम देखेंगे पहले हाफ पिरामिड कैसे बनाते हैं। हाफ पिरामिड कैसा होता है, वो कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट। अगर हमें इस तरह का पैटर्न क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स। वेरी सिंपल, छोटे लाइन का कोड रखेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्मॉल कोड लेस एरर एंड एग्जीक्यूटेबल फास्ट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर टॉकिंग। यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख दिया है प्रोग्राम का नेम, ओके। अगर आपको कोई और पाइथन के प्रोग्राम्स देखने हैं तो मेरी पूरी पाइथन की सीरीज अवेलेबल है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं कि हमें कितनी रोज़ वहाँ पर डिस्प्ले करनी है, तो मैं एक ले लेता हूँ रैंडमली वेरिएबल, आप जो भी ले सकते हैं आपकी मर्जी है, राइट। वेरिएबल का कुछ ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर वही होना चाहिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनपुट एंटर नंबर ऑफ रोज़, जितनी भी आपको रोज़ देनी है, ओके। इसके बाद सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा जो लॉजिक होता है वो सब जगह सेम होता है, चाहे वो आपका सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, या वट एवर द लैंग्वेज इज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पे भी हम दो फॉर लूप का यूज़ करेंगे, जैसे फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक जाएगी ये, नंबर तक, जहाँ पे हमें अगर फाइव रोज चाहिए तो फाइव रो तक जाएगी, ओके। इसके बाद फॉर जे इन रेंज, राइट। जे इन रेंज मतलब हमें, क्योंकि ये एक लेस तक चलती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्लस वन करेंगे कि एक उसके आगे तक लूप हमारी करे रोटेट, ओके। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट, हमें क्या करवाना है प्रिंट, मैं स्टार कर देता हूँ, राइट। इसमें हम अलग अलग भी पैटर्न्स देखेंगे, नंबर्स में देखेंगे, स्टार में देखेंगे, सो मेरे साथ बने रहे वीडियो को। स्मॉल वीडियोस में बनाता हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बनाता, ताकि पब्लिक बोर ना होए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लर्नर्स हैं, उसे सीखें, एग्जीक्यूट करें एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एंड इक्वल टू, एंड हम यहाँ पे देते हैं ताकि उसके वहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन आपके जो हो, जैसे सपोज दो लूप में ही ये लूप दो बार रोटेट करेगा तो उसके बाद एक स्पेस आएगा आपका, राइट, ओके। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो हम हमेशा यूज़ करते हैं अपना, मैं यहाँ पे स्लैश एन यूज़ कर देता हूँ, स्लैश एन, ओके, दैट्स इट। इतना सही छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, ओके। मैं सेव करता हूँ इसे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो लोग मेरे को यहाँ नहीं जानते, मेरा नाम विवेक है और हम यहाँ पे वी एस कोड एडिटर यूज़ करते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट, मैं रन करता हूँ इसे यहाँ पे, ओके। पावर शेल आ गया, पावर शेल को बंद कर देता है, पाइथन को यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है ये, आप मैं आउटपुट आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, ओके। और इसे प्रोग्राम को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि दोनों चीज़ हमारी विजिबल हो जाए। एंटर नंबर ऑफ रोज़, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ, एंड हेयर इट इज़ हाउ ब्यूटीफुल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा और आउटपुट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके, विजिबल हो जाए। ये देखिए 1 2 3 4 5, दैट इज़ द हाफ पिरामिड ऑफ स्टार्स। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, दो फॉर लूप को यहाँ पे मूव किया, एक फॉर लूप हमारी जितने हमें टाइम्स ले जाना है वो, नेक्स्ट फॉर लूप में हमने आई प्लस वन किया है बिकॉज, क्योंकि हमें यहाँ पे जितनी भी वैल्यू एक ही वन करेगी, हमें बार बार वैल्यू को रिपीट भी करवाना है वहाँ पे और उसे एक नेक्स्ट टाइम तक ले जाना है। नेक्स्ट टाइम इन सेंस कि हमें उसे वहाँ पे एक लूप, क्योंकि लूप का क्या होता है कि वो एन माइनस वन तक तक चलती है, ठीक है, लेकिन हमें एन माइनस वन नहीं चलाना ना, हमें पूरी एग्जिट उतनी तक चलाना है। अगर हमें टू टाइम्स दिया तो टू टाइम पूरी चलानी है, वन टाइम नहीं चलानी, ओके। सो आई होप अगर आप डेवलपर हैं तो बेटर समझ जाएंगे इस चीज़ को, राइट। तो हमारा ये पैटर्न कुछ आ गया है ऐसा, आपको सभी को दिख रहा है, ट्राई इट, रन इट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, आई विल डेफिनेटली हेल्प देम, ओके। सो यहाँ पे 5 का हो गया है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, मेरे साथ बने रहिए, और भी पैटर्न्स के हम यहाँ पे प्रोग्राम देखेंगे, ओके। कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, थैंक यू एवरीवन।